भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने आगामी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में दिग्गज और पूर्व साथी सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने को लेकर बेताब हैं। इस सीरीज में 7 मार्च से भारत और वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ियों के बीच मुकाबला होगा। इस सीरीज का मुख्य मकसद सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मुल्तान के सुल्तान के रूप में विख्यात सहवाग ने कहा कि मैं इस टूर्नामेंट को लेकर इसलिए बेताब हूं कि इसमें मुझे फिर से सचिन के साथ खेलने का अवसर मिलेगा। हमने बहुत सारे मैच एक साथ खेले हैं, उसके बाद लंबा अंतराल आ गया, एक ऑल स्टार मैच खेले थे और अब खेलेंगे। यह सीरीज 5 देशों के बीच T20 टूर्नामेंट है, जिसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मुकाबले मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे। फाइनल 22 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय दिग्गजों का नेतृत्व सचिन तेंदुलकर करेंगे। लारा और मुरली भी दिखाएंगे पुराने हाथ। 5 देशों के टूर्नामेंट में जो दिग्गज पूर्व खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, उनमें सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ब्रायन लारा, युवराज सिंह, जहीर खान, शिवनारायण चंद्रपाल, ग्रेट ली, ब्रेट हॉज, जॉन्टी रोड्स, मुथैया मुरलीधरन, तिलकरत्न दिलशान, अजंता मेंडिस और अन्य। इस सीरीज के कमिश्नर भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर होंगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में हर टीम पहले चरण में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी और फिर शीर्ष 2 टीमें फाइनल में आमने सामने होंगी। भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर कप्तान, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, अजित अगरकर, संजय बांगड़, मुनाफ पटेल, मोहम्मद कैफ, प्रज्ञान ओझा, सायराज बहुतुले, अभय कुरुबिल्ला, जहीर खान, इरफान पठान, समीर दिघे। वेस्टइंडीज ब्रायन लारा कप्तान, एडम सेनफोर्ड, कार्ल हुपर, डेरन गंगा, शिवनारायण चंद्रपाल, रिकॉर्डो पॉवेल, आर जैकब्स, सैमुअल बद्री, सुलेमान बेन, टिनो बेस्ट, दीनानाथ रामनारायण, पेड्रो कोलिंस।